नमस्कार, जय श्री अलसी। जय श्री। मैं सुनील सोरान और मेरे साथ हैं आज भोला जी सर, फिजिक्स फैकल्टी। ऑन बिहाफ ऑफ नीट 2024 एस्पायरेंट आज हम लेके आए हैं उनके लिए एक नई सौगात फिजिक्स इको के रूप में। और मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा भोला जी, यहाँ पर अब बन जाएगी सिलेक्शन की बात जब फिजिक्स इको के कंसेप्ट होंगे आपके हाथ, और अब फिजिक्स का नहीं होगा कोई भी फियर जब फिजिक्स इको आपके संग होगी डियर। तो निश्चित रूप से एक डर होता है, एक स्यूडो फियर है कि इन तीन सब्जेक्ट के इन्वॉल्वमेंट के साथ में फिजिक्स में कहीं ना कहीं बच्चा अपने आप को वीक महसूस करता है। एक अलग से डिजाइन किया हुआ कंसेप्ट लेके आए हैं फिजिक्स इको, जो इन बच्चों के लिए हम लेके आए हैं। फर्स्ट ऑफ मार्च से ये स्टार्ट होने वाला है। तो मैं चाहूँगा भोला जी सर, इसका बेसिक फ्रेमवर्क क्या है इस टेस्ट सीरीज का, कहाँ से ये उठ के आई है और बच्चों के लिए कितनी पॉजिटिव रूप से कारगर साबित होने वाली है, हम बताना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को। तो पहले आपको ये बताऊं कि हम फिजिक्स इको का बेसिक कॉन्सेप्ट क्यों लिया गया, क्योंकि फिजिक्स के अंदर बच्चे जो लगभग 130 के ऊपर खड़े हैं वो किस तरह से अपने को ग्रो करें, 150 तक पहुंचा सकते हैं। एग्जैक्टली। जो 150 पर हैं वो किस तरह से अपने को 170 तक, और जो लगभग 170 है वो 180 तक कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं जी। उस लेवल को हम यहाँ पे इस फिजिक्स इको में हमने मेंशन किया है। मतलब ये मान सकते हैं आप, ये एक तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर कॉन्सेप्चुअलिटी की ओर बढ़ते हुए कदम है बच्चों के, जो फिजिक्स को इस तरह से काफ़ी आसान बना देगी। जो आपने फिजिक्स की तैयारी की है उसको इसके माध्यम के थ्रू आप एक फिनिशिंग दे सकते हैं जी। एक अच्छे नंबर की ओर ला सकते हैं। बिल्कुल, भोला जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि आपके मन में एक झूठा डर है कि मैं फिजिक्स नहीं कर पा रहा हूँ। मेनली तो देखो एक ही कंसेप्ट है, मैक्सिमम प्रैक्टिस इस समय करनी होगी, फियर आपको छोड़ना होगा और डिटरमाइंड और डेडिकेट होकर मैक्सिमम प्रैक्टिस के तहत इस फिजिक्स को आपको तैयार करना होगा। फ्रीक्वेंट मेमोराइज करने होंगे फॉर्मूलाज और डेरिवेशन जो इनके होते हैं, इनको भी फ्रीक्वेंट आपको दोहराना ही होगा। आप मान के चलें प्रेशर नहीं लेना है, बेस्ट करना है। एक नया कंसेप्ट आपके साथ आया है। और इस फिजिक्स इको में कितने टेस्ट रहेंगे, कब से चालू हो रहा है, कब तक रहेगा, हम ये भी बताना चाहेंगे जी सर। इसमें टोटल अपन ने 7 टेस्ट लिए गए, जिसमें शुरू के एक तो 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च को हैं, फिर 7, 8 और 9 मार्च को, और फिर लास्ट टेस्ट 16 मार्च को रखा गया है। ओके, ठीक है। और इनमें आप देख रहे हैं वैसे तो 11, 12 का वेटेज लगभग इक्वल रहता है, लेकिन हम देख रहे हैं लास्ट 2 ईयर से लगभग 12 का वेटेज 55-60% तक कवर हो रहा है। क्या बात, ठीक है। इस वजह से हमने पहले स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स लिए गए वो 12th वाला पोर्शन लिया है अपन ने। ओके। और 12th वाला पोर्शन थोड़ा रेस्पेक्टिवली थोड़ा इजी भी होता है जी जी, ठीक है, और उसका वेटेज भी ज्यादा है, तो उसके थ्रू बच्चों अपने बढ़िया नंबर तरीके से बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या रहने वाले हैं और ड्यूरेशन क्या रहने वाला है इसका? इस पे हमने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, ईच पेपर में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 90 क्वेश्चंस लिए गए, जो कि पूरे पूरे न्यू सिलेबस को फ्रेम में रखते हुए बनाए गए। ओके। जो एनसीईआरटी का अपडेटेड सिलेबस बताया गया उसी अकॉर्डिंग बनाए गए, और इसके लिए बच्चों को टोटल टाइम दिया गया 2.25 घंटे का, 2 आवर्स 15 मिनट का ईच पेपर। तो ये एक यूनिक कंसेप्ट था, सीएलसी की एक और सौगात थी। बायोकेम अभी वर्तमान में चल रही है, 14th of February को, नीट का ब्रह्मास्त्र वैसे कहा जाता है इस बायोकेम को, 14th of February को ये स्टार्ट हुई थी, 15 मार्च तक ये कंटिन्यूसली चलने वाली है। और साथ साथ में जैसे भोला जी सर ने बताया था, 1, 2 और 3 मार्च अलोंग विद 7, 8 और 9 मार्च और 16 मार्च, ये आपकी 7 डेट रहेंगी जहां पर आप फिजिक्स को भी अपनी मुट्ठी में बंद कर सकते हैं, अपने सिलेक्शन के जज्बातों को फिर से और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और इसके ठीक बाद आने वाला दंगल, और 20 मार्च से चालू होने वाला दंगल 3 मई तक चलने वाला है, और फिर महादंगल में हम प्रवेश करेंगे 5 मई को। तो आप सभी से, जो भी स्टूडेंट ऑलरेडी जुड़ चुके हैं उनके लिए एक सौगात होगी फिजिक्स इको के रूप में, और जो बच्चे अभी न्यूली इसको देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए एक आमंत्रण हो गया और एक स्ट्रेटेजी हो गई, एक पाथवे हो गया उस मुकाम तक पहुंचने का जो एक सपने के रूप में ये बच्चे देखते हैं। आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी। ऑफलाइन टेस्ट सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो ऑफलाइन टेस्ट सेंटर सीएलसी के रहेंगे सीकर, जयपुर, अलवर, बीकानेर, जोधपुर, चौमू, कोटा, हिसार एंड दिल्ली। यहाँ पर आप ऑफलाइन टेस्ट सेंटर के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन आप समझ सकते हैं पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी बैठा बच्चा इसको ज्वाइन कर सकता है। और भी इस टेस्ट सीरीज से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, आप ये हमारे मोबाइल नंबर रहेंगे, इन पर कॉल करके आपकी सारी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। और इस टेस्ट सीरीज का वीडियो सोल्यूशन रोज शाम को 8 बजे आपको
आपकी पर्टिकुलर ऐप पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आओ मिलकर ज्वाइन करें इस टेस्ट सीरीज को और अपने सपने के उस ताने बाने को इसी वर्ष बुनने का भरपूर हम प्रयास करें। जय सीएलसी, विजय सीएलसी।